जिला हमीरपुर के तहत डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस दक्षा का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी के संकट में योद्धाओं की भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस दक्षा के वार्षिक समारोह में आयुर्वेदा विभाग में डॉक्टर के पद पर सेवाएं देने वाले ऋतिक शर्मा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ऋतिक शर्मा 23 साल की उम्र में 37 बार रक्तदान कर चुके हैं। संस्था की अध्यक्ष सुनीता दरोच ने संस्था द्वारा किए जा रहे महिला उत्थान के कार्यों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। संस्था के संयोजक अमरजीत सिंह ने कहा कि संस्था ने गांव स्तर पर भारतीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। एक साल में संस्था द्वारा कई स्मरणीय कार्य किए गए हैं। इस संस्था की शुरुआत आज के दिन हुई, 9 जुलाई के दिन हुई। संयोग है कि आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसमें मैंने वर्षों तक काम किया और मेरे साथ रहने वाले बहुत से लोगों ने, राकेश जी हैं, विनेश आर्था जी हैं, इवन आपके अमरजीत जी, पत्रकारों में सतीश भाई, हम सब ने इकट्ठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्य किया। इन दोनों संस्थाओं की आज इस वर्षगांठ पे मैं दोनों को बधाई देता हूँ। मैं इससे पहले भी संस्था के एक कार्यक्रम में आया, तब एक हमारी मीटिंग हुई थी सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे प्रदेश भर। इस संस्था के इस कार्यक्रम का स्वरूप इससे भी और बढ़िया होता और इससे भी अच्छा हम करेंगे, परंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते हम केवल एक छोटे से स्तर पे इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमें ग्रामीण स्तर पर कहीं ना कहीं उन असहाय गरीब, उन अपनी माताओं बहनों और बुजुर्गों की मदद करनी है और उनको निशुल्क उनके शारीरिक स्वास्थ्य और स्वस्थता के प्रति जागरूक करना है। अभी क्योंकि आप सब जानते हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, लाइव हमारा सुन रहे हैं, मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब कोई संस्था, कोई व्यक्ति अच्छा करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टांगें पीछे खींचने वाले जो हैं वो दस हो जाते हैं। हमारी टांगें खींचने वाले बहुत आगे हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संस्था की ओर से। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमें वो संत कबीर साहब का वो दोहा जो है वो आज भी याद है, हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।